आ जाते हैं टू आर रेसिपी ऑफ वेजिटेबल के साथ, फ्रूट्स नट्स के साथ हैदराबादी शाही पुलाव। नाउ किस तरह ये बनेगा ये मैं आपको बताना शुरू कर दूँ। घी है, ठीक है, उसमें हम काजू, किशमिश और बादाम को फ्राई करके बाहर निकाल देंगे, साथ में रख देंगे। थोड़ा सा और घी डालेंगे, उसमें हम प्याज डालेंगे, साबुत गरम मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, इसमें गाजर है, मटर है और आलू है। आलू को आपने गलाना है, छोटे पीसेस कर दीजिएगा ताकि जल्दी से हो जाए। सारे मसाले जात वगैरह डाल देंगे, फिर इसमें हम चावल डालने हैं। सो चावल आई हैव टू कुक, मैंने चावल पकाए नहीं है। सो पुलाव है तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन द सेम पैन, ठीक है, अलग से मुझे नहीं करना है। बिरयानी नहीं है, कोई तह नहीं कर रही, तो ये सब कुछ एक ही पैन में, आज हम वन पैन खाना बना रहे हैं। और उसके बाद फिर आप गार्निश के लिए यही फ्राइड नट्स डाल दीजिएगा, धनिया पुदीना डाल दीजिएगा, लेमन जूस रायते के साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो यहाँ घी है, देसी खानों की बहुत फरमाइश आती है, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक समथिंग फॉर यू। बादाम, काजू और किशमिश, किशमिश को धोइएगा, इसके स्टॉक्स ज़रूर निकालिएगा। अगर स्टॉक्स निकले हुए नहीं हो तो मेक श्योर कि आप वो स्टॉक्स निकाल दें, फिर मुंह में आते हैं, अजीब सा लगता है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन डू सो। काजू और बादाम में डाल दूँ, किशमिश को थोड़ी देर बाद करेंगे, इसलिए कि फिर किशमिश बहुत जल्दी काली हो जाती है इसमें, और निकाल देंगे इसको, ठीक है। निकाल के फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे, कोई सी भी आप वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। अवन में भी आप इन बैंगन को कर सकते हैं, अवन में थोड़ा टाइम लगेगा, चूल्हे पे चार करके अवन में रख देंगे तो वो बहुत जल्दी पक जाएंगे। पहले से अवन प्रीहीट करिएगा, ठीक है, इसको हिलाते रहिएगा, काजू और बादाम हो जाएं तो निकाल दीजिएगा, उसी में निकाल देंगे। ये छोटी हरी इलायची है और क्या है, लौंग है और ज़ीरा है, वो कौन सा ज़ीरा है, शाही ज़ीरा है, वाइट क्यूमिन सीड्स नहीं है, शाही ज़ीरा है, ठीक है। ये यहाँ रख दिया और आप इसी घी में प्याज को तल दें और जो तेज़पत्ता है उसको भी आप कड़कड़ाएँ थोड़ा सा, और फिर आप इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। फिर जो भी चीज़ पहले पकने वाली होती है, मसलन आलू में टाइम लगेगा तो हम आलू डालेंगे काट के क्यूब्स में, बहुत छोटे नहीं हो, बहुत बड़े नहीं हो। एक पानी के बोल में रख दीजिएगा कि वो डिसकलर ना हो जल्दी से। ब्रेक की तरफ चलना है हमने, तो ऐसे करती हूँ मैं, आलू डाल दूँगी ताकि आलू को टाइम मिल जाएगा ब्रेक में पकने का, ठीक है। यहाँ गरम मसाला है, साबुत प्याज है, अदरक लहसुन है, एंड देन आलू विल गो इन। तो मैं ऐसे करती हूँ, ब्रेक की तरफ चलती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, काश हम कभी दिखा सकते कि ब्रेक में यहाँ क्या होता है, और हल्दी जाएगी और फिर इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, उसमें भी था, हाँ निकाला हुआ है अलग से, ठीक है। आलू मैंने छोटे काटे थे ताकि जल्दी से हो जाए, अब इसमें आप गाजर डालिएगा और मटर है, ये हरी मिर्चें हैं एंड नमक, ठीक है, सब कुछ हो गया, ये सब कुछ बाद में जाएगा। नाउ आई नीड टू पुट द राइस इन इट। बॉईल किए हुए चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन somehow मुझे पुलाव में चावल अंदर डाल के ही पकाना है। आपके पास बचे हुए घर में चावल हो ना, उससे भी आप इस तरह झटपट
बना सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से, साथ साथ काउंटर साफ करें। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? लक्ष्मी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपके घर खाने बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी, दो रिक्वेस्ट करें। अच्छा, एक तो आपने वो सिखाएं चॉकलेट लावा केक है? तो वो तो परफेक्ट हो। तो पर अभी तो बनाया कैरमल लावा केक। कैरमल नहीं, आपने मिस कर दिया। चॉकलेट बनाया तो चॉकलेट का तो हर दफा बनाती हूँ। कॉफी का बनाया है, मौका का बनाया है, तो मैंने सोचा कैरमल का उसी तरह बनेगा। आप लिखिए चॉकलेट लावा केक बाय जारनक सिद्धू और नेट से ले लीजिएगा रेसिपी, ठीक है? ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने ना सैंडविच मेकर जीता था और अभी तक नहीं आया, वो मैंने जुलाई का जीता था। सैंडविच मेकर नहीं, ओके, मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिएगा, फोन नहीं रखिएगा, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। यू नीड टू ऐड सम वाटर, पानी थोड़ा सा जाना चाहिए मसाले के साथ। चावल आपने मिक्स कर दिए, कम क्या तड़का में जीती थी, फूड डायरीज में कंप्लेन कर रही हैं। अच्छा जी, मिल जाएगा मिल जाएगा, हम उनको कह देंगे, ठीक है? हम ज़ाफ़रान डालेंगे, लेमन जूस है, धनिया पुदीना है और दही के साथ सर्व हो जाएगा ये। और जो हमने मिक्स नट्स या ड्राई फ्रूट या जो भी आपने फ्राई किया था, सबसे पहले घी में मैंने यहाँ बादाम और किशमिश और काजू फ्राई किए थे, वो ऊपर से जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज़ योर शाही वेजिटेबल पुलाव, रेडी इन नो टाइम। चावल अगर हों आपके पास ऑलरेडी बॉयल तो वो आप डाल सकते हैं और भी जल्दी हो जाएगा, मगर इसी में चावल बनाएंगे ना पुलाव में। आई ऑलवेज लाइक टू डू दिस, बिरयानी में आप अलग से करें, पुलाव में आप उसी वक्त डालें और उसका फिर अच्छा सा टेस्ट आता है, बेहतरीन, ठीक है? पुलाव में हमेशा पानी कम डालते हैं, एकदम से पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें छानना नहीं है उस पानी को। बेशक थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एक पैन में पानी गर्म करके यहाँ रख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ठीक है? और अभी मैंने आँच तेज़ रखी है, चावल में उबाल आ जाएगा, चावल पक जाएंगे, फिर नीचे हम रख देंगे तवा। अच्छा, मैं रिकैप कर दूं, मैंने थोड़ा सा घी लिया था, आप मक्खन में कर लें, तेल में कर लें, व्हाटएवर। काजू किशमिश और बादाम उसमें फ्राई करके निकाल दिया था, होल वाले चमचे से निकाला था कि घी उसी में रहे। फिर उसी घी में प्याज डाली मैंने, तेज़पत्ता डाला, छोटी हरी इलायची डाली, लौंग डाले, दालचीनी की स्टिक थी और ब्लैक क्यूमिन सीड्स, शाही ज़ीरा वो डाला और उसको हमने कड़कड़ाया। प्याज लाल होगी तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, आलू चॉप करके डालिए, गाजर चॉप करके डालिए, मटर मेरे थे वो हाफ बॉयल थे वो डाल दिए, हल्दी गई इसमें, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर गया, अब ज़ाफ़रान और दूध जाएगा, धनिया पुदीना, लेमन जूस और ये बादाम काजू किशमिश जो हमने बॉयल किए हैं वो। लेमन जूस तो मैं अभी डाल सकती हूँ। लेमन जूस डालते वक्त याद रखिएगा कि चावल जो हैं वो हमेशा सेपरेट रहता है दाना, अगर आप चावल में बॉईल करते वक्त थोड़ा सा लेमन जूस डालें। अच्छा, और मुझे इतना सारा दूध नहीं चाहिए, सो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज़ लिटिल बिट ऑफ दूध, जिसमें हम ज़ाफ़रान डालेंगे लाइक दिस, ठीक है? ये जाएगा, लेमन हो गया, धनिया पुदीना एंड दिस। अब इज द टाइम टू पुट अ तवा नीचे। और बहुत थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, ठीक है? और यहाँ आप दूध और ज़ाफ़रान भी डालिएगा, मेक श्योर पूरा ज़ाफ़रान अंदर आ जाए, वेस्ट नहीं करिएगा, बहुत महंगा है, दुनिया का महंगा तरीन स्पाइस। अच्छा, सो पुदीना ऑल्सो दम पे, धनिया थोड़ा सा काला पड़ जाता है, दैट्स ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दम पे डालना ये, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दैट्स इट, एवरीथिंग डन, ये हम बाद में डालेंगे। ब्रेक है, सो विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। इसमें दम भी आ गया था एंड द राइस इज़ एब्सोल्युटली डन। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़ पुलाव बनाते वक्त। आई थिंक मैं निकाल भी दूँ इसको,
फिर आप ऊपर से डालिए, उसके साथ नहीं सर्व करिएगा, ज़्यादा तीखा है ही नहीं, बिकॉज इसमें हमने सिर्फ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, दैट्स नॉट तीखा एट ऑल, बस रंग है। कॉलर हैं जी, हेलो 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 जना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइस बना रही हैं। लाइट हमारे यहाँ नहीं थी, अभी आई है। ओके, मुझे रेसिपी का नाम नहीं पता। हैदराबादी शाही पुलाव। ओ जबरदस्त, माशाल्लाह से बहुत। सब्जी वाला और ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाला, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। जरूर जरूर करिएगा और बताइएगा फिर कैसे बना आपके घर में। जी बिल्कुल बताऊंगी जरूर। और दूसरी जगह कोई सवाल है आज का? सवाल आज हमने कोई नहीं रखा। ओ चलें, कोई बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल ये है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप, और हम सब शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके नाउ दिस विल हैव टू गो ऑन टॉप। जो बादाम काजू किशमिश फ्राई करके रखे थे, इसको हम ज़रा साइडों पे डेकोरेशन कर दिएगा। आप भी घर में ऐसे नहीं बस डाल दीजिएगा, ठीक है? कुछ ना कुछ अलग और मुख्तलिफ तो होना चाहिए ना, घर वालों को भी कभी कभार मेहमानों की तरह ट्रीट करें। सिर्फ हम मेहमानों के लिए क्यों अच्छी क्रॉकरी कटलरी निकालते हैं, घर वालों को तो ऐसे ही कुछ भी किसी भी चीज़ में देते थे, कहते दोंगे में खा लो बस। नहीं सो ऑल द ड्राई फ्रूट्स गो हियर लाइक दिस एंड थोड़ा सा रायता शायता कुछ निकाल दीजिए। जस्ट ऐड समथिंग, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी प्याज, ऐसे करके कुछ जस्ट मिक्स इट अप टुगेदर एंड टेक इट आउट, ठीक है? और स्प्रिग ऑफ हरा धनिया, और ये आपका रायता हो गया।